BHU एस्पिरेंट से लेके BHUN बनने तक का जो सफ़र है, इसका अब आपके पास फल आने वाला है। बट इससे पहले ये जो 7 दिनों का समय है आपके पास, ये जो अंतिम घड़ी है आपके पास, इसमें अगर आप अपना पेशेंस लेवल को लूज़ कर दोगे या ये डर से सोचोगे कि नहीं हो पाएगा, कैसा होगा, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है कैसे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो क्या आप अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे? ऐसा क्या हो सकता है? भीड़ में खोए हुए इंसान के तरीके से ये 7 दिन बिताना है या अपनी खुद की भीड़ में पहचान बनानी है, ये सब आप डिसाइड खुद से कर सकते हो इन 7 दिनों में, और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस को, रिविजन्स को टाइम देके। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि ये 7 दिन आपको ऑप्टिमिस्टिक हार्ड वर्क करना है या आपको नेगेटिव थॉट्स लेकर आना है। कुछ बच्चे मुझे ये पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हमें समझ नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन जितना नज़दीक आ रहा है उतना हमें डर लग रहा है। आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है क्या? आपकी प्रिपरेशन आपने जैसे की है, क्या आपको इस पर बिलीव नहीं है? क्या आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप ये सोचते हो कि क्या होगा आगे चल के? एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही तो है, इसको एक बार ही क्रैक कर लोगे तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में सोचिए। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंटली, लाइक दे विल बी वेरी प्राउड जब आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लोगे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी अगर आगे हायर कॉम्पिटिशन होता है, हायर किसी भी जगह आपको जाना होगा, इवन फॉर द इंटरव्यू और एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको एक तरीके से लेसन प्रोवाइड कर रहा है, जो तुमने इतने दिनों से प्रिपरेशंस की है, अब उसका बस रिजल्ट आना बाकी है। और ये जो 7 दिन है, इसको आप अपना बेस्ट 7 डेज बना सकते हो, और पता नहीं आगे कितने और बेस्ट डेज आपका वेट कर रहे हैं। आपके लिए एकदम आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, और इस समय अगर आप अपने आप को डिसहार्टेड, लो कॉन्फिडेंस डाउन, या फिर सोचोगे कि कैसा होगा एग्जामिनेशंस, पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी तैयारी की है, सब भूल रहे हैं, अपने आप पे बिलीव करिए, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। समझ आ रहा है आप सबको ये बातें? काफ़ी दिनों से मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है जितनी भी हमने अपनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं हम उसको कैसे भूल रहे हैं। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी ये चीज़ सॉल्व कर रही हूँ कि इन 7 डेज में आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। आपको कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको कोई नया किताब नहीं पढ़नी है, आपको कोई नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है मैक्सिममली उसको रिवाइज करना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा सेक्शन अगर आपके पेपर से आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसको अभी 7 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। मैक्सिमम मेजर पोर्शन पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको स्कोर करने में आसानी होगी। अगर आपका सेक्शन जीके जीएस से रिलेटेड आपका प्रिपेयर है, तो वो आपका मेजर पोर्शन है बी आर सोशल साइंस में। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड बीकॉम से रिलेटेड है, और उसमें आपका मेजरली अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स प्रिपेयर है, दैट इज़ योर मेजर पोर्शन जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही चीज़ BSc स्टूडेंट के साथ है, जो तुमने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है और अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें अप्लाई किया है उसको क्लियरली प्रेजेंट कर दोगे एग्जामिनेशन में, तो तुम्हारा एंट्रेंस से क्वालिफाई करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने क्या प्रिपेयर किया है। कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रिविजन्स की बहुत नेसेसिटी है इस टाइम पे। जितना अच्छा रिविजन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुमने इतना हार्ड वर्क किया है कि तुम इतने अंदर से अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हो कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। डर लग रहा है ना, तो अपने ऊपर बिलीव करो, डर को ओवरकम करो। डर ओवरकम करने के लिए थोड़ी देर तक अपने आप को लाइक रिलैक्स फील करवाओ। और ये डर कुछ है नहीं, बस एक लाइक हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होगा। इस मिसकंसेप्शन को तोड़फोड़ करके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। जितना, ये लास्ट टिप मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जितना आता है, अगर मुझे पेपर में 150 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस मेरे से करेक्टली, मुझे लग रहा है 100% ये क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, तो मैं उतना ही अटेम्प्ट करने वाली हूँ। इससे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करूँगी जिसमें मुझे ऑप्शंस में लग रहा है कि ये आंसर भी हो सकता है। ऐसा मत करिएगा। जितना क्वेश्चन आता है आपको लगता है 100% मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसी को अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होके उन आंसर्स को भी टिक कर आ गए जिन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आपको ऑप्शंस में डाउट नज़र आ रहा है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। तो ये लास्ट स्टेप है जिसको आपको ध्यान देना है ऑन द टाइम ऑफ
एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो प्रेशर लेके दिमाग पे नहीं जाना है, आराम से रिलैक्स्ड वे में एग्जामिनेशन देने जाना है। बहुत सारा कंपटीशन है, ये हमें नहीं सोचना है। आप अपने लिए कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, आप अपना कंपटीशन हो कि नहीं, इस बारे में सोचना है। तुम जहाँ एंट्रेंस देने जा रहे हो, जिस चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे थे इतने दिनों से, अपने आप को प्रूव करने का अच्छा समय है। इसको आप प्रूव कर सकते हो, अपने आप पे बिलीव रख सकते हो, अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को शो कर सकते हो। तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं। भीड़ में खोए हुए इंसान की तरह होना चाहते हो या अपनी सेल्फ पहचान बनाना चाहते हो, ये समय आपका है। डोंट पैनिक, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स तो बिल्कुल इस समय ध्यान मत देना। कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट से इस समय बहुत दिनों से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपका पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं, मेजर पोर्शन जितना भी आपने मैक्सिममली इन दिनों में प्रिपरेशन की है, अगर वो आप करेक्टली कर आ जाते हो, दैट विल बी वेरी एनफ टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप पेपर में 80-95% तक क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म्ड है। आपसे आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता, आप अपना सिलेक्शन खुद से छीन सकते हो। लेकिन अगर ये 7 days को अपना बेस्ट 7 days बना देते हो और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो विदाउट किलिंग इट, टाइम को किल नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज़ करना है और टाइम को मैक्सिमाइज तरीके से यूटिलाइज़ करना है बिना टाइम वेस्ट किए। अगर 8 घंटा पढ़ रहे थे तो अब 12 घंटा पढ़ने का समय आ चुका है, सिर्फ रिवाइज़ करने का समय आ चुका है। और ये भी नहीं कि अच्छा इस जगह से कंटेंट उठा देते हैं, तुम ज़रा मुझे नोट्स शेयर कर दोगे, तुम मुझे व्हाट्सएप पे ये कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। जो है मेरे पास 10 पेज का भी क्वेश्चन पेपर अगर है, 10 पेज भी मैंने लिखा है, वो 10 पेज भी मेरे लिए सफिशिएंट हो सकता है अगर मैं उसको बार बार रिवाइज़ कर लूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज़ कर दूँ, 4-5 बार ही रिवाइज़ कर दूँ, तो हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी है मेरे लिए सफिशिएंट हो जाए, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद से बिलीव कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ प्राउड। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ।